तो ये तो आपको पता ही होगा कि यार जो रियलमी की नार्जो सीरीज है, अब उसकी लॉन्च डेट दोस्तों थी 21 अप्रैल को, लेकिन फिलहाल यार उसकी लॉन्च डेट को आप कह सकते हो कि पोस्टपोन कर दिया गया है। और खबर है कि दोस्तों मई के मंथ में ही आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सारी जो स्पेक हैं वो सामने आ ही चुके हैं, लेकिन हम दोस्तों एक खबर और भी है कि जो Redmi Note 9 है वो भी मई के मंथ में यार इंडिया में आ रहा है, और दोनों की जो दोस्तों प्राइस सेगमेंट है वो लगभग एक ही रहने वाली है। क्या इन दोनों के स्पेक है दोस्तों, क्या इनकी प्राइसिंग रहेगी एक्चुअल में, और साथ में दोस्तों कौन से फोन के लिए आपको वेट करना चाहिए, इन सभी की बात करते हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को आप जरूर दबाना। बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो Redmi और Realme दोस्तों आपको पता ही है कि चाहे किसी भी प्राइस सेगमेंट में आप इनके फोन्स ले लो, आपस में यार कंपीट करते हैं। यहां पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। चलते हैं पहले Narzo 10 में। यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी पॉलीकार्बोनेट की बैक, जैसा कि आपको Realme के 5i और 5s में देखने को मिली थी। पॉलीकार्बोनेट की बैक है तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट डिस्क के अंदर बैक में ही देखने को मिलेगा। साथ में आपको क्वेड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और डिजाइन दोस्तों काफी हद तक आप इंस्पायर बोल सकते हो कि Realme 6 जो भी आया था उसके जैसा ही आपको डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में कई कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और एक खास पैटर्न वाला फोन भी आपको देखने को मिलेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दिखने में आप कहते हो कि काफी ठीक ठाक सा आपको फोन है। अब ये आपकी पसंद के ऊपर है कि आपको ये डिजाइन पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम चलते हैं अगर Redmi Note 9 की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में, तो वहां पर दोस्तों काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि अंतर है इन कंपेरिजन Narzo 10 के। पॉलीकार्बोनेट बैक की जगह दोस्तों आपको ग्लास की बैक यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो एक अपग्रेड आप बोल सकते हो इन कंपेरिजन Narzo 10 के। यहाँ पर अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन दोस्तों आपको Redmi Note 9 Pro से पूरी तरह से इंस्पायर लगता है, उसकी कॉपी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक छोटी सी दोस्तों इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड में ना होकर आपको बैक साइड में ही देखने को मिलेगा। सेम दोस्तों फिंगरप्रिंट बैक साइड में आपको Narzo 10 में भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर तो कोई आपको अंतर नहीं देखने को मिलता, और क्वाड कैमरा सेटअप आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कहें तो डिज़ाइन के मामले में और बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोस्तों Redmi जो Note 9 है वो बेटर है इन कंपेरिजन Narzo 10 के। अब इसके बाद चलते हैं हम डिस्प्ले की ओर, तो डिस्प्ले में भी दोस्तों अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। Narzo 10 में दोस्तों आपको 6.5 इंच की HD प्लस की IPS LCD वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, साथ में गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है, और इसके साथ में ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, वो है दोस्तों वाटर ड्रॉप नोच। अब ये डिज़ाइन आप बात करें तो रेगुलर डिज़ाइन है, काफ़ी समय से आप नोच देख रहे हो, लेकिन वहीं Redmi Note 9 में थोड़ा सा अपग्रेड आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। Narzo 10 के पंच होल वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, 6.53 इंच की आपको फुल HD प्लस रेजुलेशन की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बोल सकते हो कि डिस्प्ले के मामले में भी Redmi Note 9 है वो सुपीरियर है इन कंपैरिजन Narzo 10 के। तो डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन वाइज तीनों में ही दोस्तों मुझे यहाँ पर Redmi Note 9 है वो बेटर लगा है Narzo 10 के। आपको दोस्तों क्या लगता है नीचे यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब बात करते हैं यार परफॉर्मेंस की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल दोनों भाई ट्विंस हैं, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। MediaTek का Helio G80 दोनों ही फोन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों Note 9 का एक 5G वाला वेरिएंट भी होगा जो कि इंडिया में ना आकर सीधे चाइना में जाएगा, लेकिन इंडिया में दोस्तों ये G80 के साथ ही आएगा। G80 12nm का चिपसेट है, इसके ऊपर दोस्तों मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसमें अभी एक दो दिन का टाइम लगने वाला है। यहाँ पर आपको GPU दोस्तों मिलता है, वो है मालिका G52 का MC2 लेवल का, और इसके बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 200,000 से ऊपर ही आपको बेंचमार्क इसके स्कोर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कहें तो जिस प्राइसिंग में ये आएगा दोस्तों काफ़ी अच्छी गेमिंग आपको देने वाला है, तो इसके मामले में तो कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। तो परफॉर्मेंस के बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की, तो कैमरा डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक सिमिलर है, दोनों में क्वाड कैमरा है, और दोनों में दोस्तों प्राइमरी जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का ही आपको देखने को मिलता है। वहीं फ्रंट कैमरा में दोस्तों थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको रियलमी में देखने को मिलेगी अपर्चर 2.0 के साथ, वहीं 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है यहाँ पर Redmi के Note 9 में। तो मेगापिक्सल के हिसाब से तो आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा यहाँ पर रियलमी, लेकिन एक्चुअल में जो पिक्चर होगी दोस्तों वो यार फोन लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगा कि किस तरह की इमेज प्रोसेसिंग दोनों ही फोन के द्वारा की गई है, तो इसके लिए दोस्तों आप वेट जरूर करना। वहीं अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में दोस्तों 5000 mAh की बैटरी आपको मिलती है Narzo 10 में, साथ में टाइप सी का पोर्ट आपको मिलता है, USB 2.0 का सपोर्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फास्ट चार्जिंग की तो बताया जा रहा है कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। वहीं Redmi
अगर हम नोट 9 की बात करें तो 4920 mAh की बैटरी है, टाइप सी का पोर्ट है और 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन खबर है कि दोस्तों चार्जर आपको शायद 22.5 वाट का ना मिले या आपको 18 वाट का मिलेगा, नहीं तो आपको नॉर्मल 10 वाट तक का ही देखने को मिलेगा। लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन रियलमी के नार्जो 10 के। तो वो लिए थे यार ये दोनों स्मार्टफोन। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो मई के मंथ में यार ये दोनों फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। नार्जो 10 पहले ही लॉन्च हो जाता है लेकिन आपको पता ही है कि जब तक कोविड-19 का ये थोड़ा सा चक्कर चलेगा तब तक दोस्तों कोई भी फ़ोन आपको बड़ी कंपनी का मार्केट में आता हुआ नहीं दिखेगा। मई के मंथ में दोनों फ़ोन लॉन्च होंगे। और प्राइसिंग की बात करें तो 4/64 GB जो दोनों ही वेरियंट है उनमें आपको देखने को मिलेगा। और दोनों की जो प्राइसिंग है दोस्तों बताई जा रही है कि 11,000 रुपये के आसपास आपको ये दोनों फ़ोन देखने को मिलेंगे। अगर सेम प्राइसिंग में दोनों फ़ोन लॉन्च होते हैं तो डेफिनेटली यार रेडमी नोट 9 है वो मुझे तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आपको क्या लगा है आप नीचे यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट अगर प्राइसिंग में गैप आता है और 1500 रुपए का अंतर दोस्तों हो जाता है तब डेफिनेटली दोस्तों फिर कड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि भाई बजट काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप कम बजट के स्मार्टफोन खरीदते हो। तो उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें इतना के लिए बड़े आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जय भारत।